दोस्तों आजकल इंश्योरेंस का ज़माना है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कह लो चाहे फायर इंश्योरेंस कह लो, पर हर बंदे के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सबके पास इंश्योरेंस है तो सब थोड़े से रिलैक्स नहीं हो गए हैं लाइफ में? हम सब बड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं और हमें लगता है हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल ही जाएगा। क्या इतना आसान होता है इंश्योरेंस क्लेम मिलना? चलो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ थ्रू दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है ना, और मैं आपको जरा अपने फ्रेंड का रिएक्शन दिखा दूँ। देखो ये कितने खुश हैं, जस्ट बिकॉज इनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये सोच रहे हैं कि सारा पुराना सामान मेरा जल चुका है, अब आराम से मुझे क्लेम मिल ही जाएगा, राइट? पर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इनको इंश्योरेंस क्लेम इतनी आसानी से मिल जाएगा? सोचो अगर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि आग लगती है तो लगने दो, फैक्ट्री जलती है तो जलने दो, तो आपको क्या लगता है कि इनके इनको इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी चलो यार आप हमें इतने साल से प्रीमियम दे रहे हैं तो चलो यार आप कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ नहीं करा तो हम आपको आराम से पैसा दे देते हैं और ऐसे ही डांस करते हुए उनसे पैसा रिकवर कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन, क्या लगता है आप लोगों को? सो द आंसर इज नो, इनको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज इनके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है इन्होंने ना तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, ना इन्होंने पुलिस में फ़ोन करा, ना किसी को इन्फॉर्म करा, एंड जस्ट थिंकिंग कि मैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर ही रहा था, माय फैक्ट्री इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। आपको इंश्योरेंस का क्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मिटिगेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में भी है। मिटिगेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ना होती तब आप जो स्टेप्स लेते वही स्टेप्स आपको तब भी लेने पड़ेंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इवन इफ यू हैव द पॉलिसी यू हैव टू टेक ऑल द स्टेप्स विच यू वुड हैव टेकन अदरवाइज इफ यू डिडंट हैव दैट पॉलिसी। सो आई थिंक ये लर्निंग देने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। होप यू लाइक इट। थैंक यू।